हेलो एवरीवन। तो यार जेपी की काउंसलिंग बहुत सारे स्टूडेंट ने अपीयर की हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ने 10+2 बेसिस पे की थी, कुछ स्टूडेंट्स ने जेई बेसिस पे काउंसलिंग अपीयर की थी। अभी रिसेंट में काउंसलिंग प्रोसेस हुआ 1 सितंबर को, है ना। उससे एग्जैक्टली 1 मंथ पहले आपका 10+2 का अप्रोक्स प्रोसेस हुआ था। उसकी भी राउंड 2 की, इट्स मीन कि राउंड 1 के बाद जो एक अपग्रेड होने की जो लिस्ट आनी थी वो लिस्ट आ गई है। जिन लोगों ने जेई के थ्रू अपीयर किया था वो जानना चाह रहे सर सेकंड राउंड क्या हमको दोबारा से ऑफलाइन जाना पड़ेगा जेपी? तो नहीं यार, दोबारा से नहीं जाना है। आपने ऑलरेडी डीडी सबमिट कर रखी होगी, एक तरह से आप वेटिंग लिस्ट के क्राइटेरिया में पड़े होंगे। दोबारा जो अलॉटमेंट आएगी वो आपके सिस्टम डैशबोर्ड पे आ जाएगी। रिमेनिंग अपडेट्स के लिए यार अपने ईमेल स्पैम फोल्डर पे नॉर्मली ईमेल आप चेक करते रहना। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। हाँ, आगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दी है, अगर उसके बियॉन्ड आ रहे हैं तो आपको कोई दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। एकदम डेड लाइन वाले एकदम कट ऑफ दे दिए हैं, समझ लेना। तो मेन कुछ पॉइंट्स हैं। ये यार जेपी का है ना पेज है, इसी पे काउंसलिंग हो रही है। और मेनली ये लोग वेबसाइट्स पे सारे अपडेट नहीं करते हैं, तो इनके जो सारे के सारे अपडेट होते हैं वो आपके ईमेल पे आते हैं। तो सिंपली आप लोग क्या करो ना, हमारे यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि चैनल पे कुछ मिले या ना मिले, है ना, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जेपी की बात जरूर की जाएगी, जो कि आपको कोई दूसरा चैनल नहीं करता है। तो सिंपली आपको जेपी का कोई भी कट ऑफ चाहिए तो यहाँ से आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये कट ऑफ है, आगे आप कम्युनिटी पोस्ट वगैरह आप लोग देखते रहा करो। ये देखो जाक चंडीगढ़ वगैरह का शेड्यूल आया था, सारा पड़ा है। यूपी के अपग्रेडेशन राउंड का आया था जेपी का, वो भी डाल रखा है। तो सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, जो भी शेड्यूल आता है तो कम्युनिटी पोस्ट एकदम देखते रहो। HBDU का शेड्यूल था, है ना, तो सारा डेटा देखो MPDT का था, तो पूरा यहाँ पे सब मिल जाएगा एकदम अपडेटेड वाला डेटा। तो सिंपली आ जाओ जल्दी से। तो बस ये वाला पेज ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो सिंपली अगर आप यहां पर देखोगे, ये जो एक्चुअल रैंक का ये राउंड 1 में ये डेटा है, ये अपग्रेडेशन राउंड 1 के बाद में जो अपग्रेडेशन हुआ, एक तरह का आप राउंड 2 भी उसको कह सकते हैं। तो सिंपली यहां पर CS के लिए देखोगे 35,000 तक। यार अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल बिलीव नहीं था कि इतनी तक जाएगी क्या स्टूडेंट्स को। तो हाँ, हालांकि हर साल ऐसा होता है कि राउंड 1 में मतलब 30,000 वाला भी बड़ा डरा हुआ होता है कि यार मेरे को कहाँ पे मिलेगी, हम कौन सा लें, क्या करें, कैसे प्रोसेस करेंगे एट ऑल। तो अभी कहना कि लोगों ने सीट होल्ड ऑन कर रखी, आगे बहुत सारे कैंसलेशन होंगे। मैंने यहाँ तक कि यार 15 से 20 अक्टूबर तक की मैंने डेट भी दे रखी है। जेपी कुछ भी बोले, कभी भी क्लास स्टार्ट करे, कुछ भी कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज क्लासेस चीज़ें तो UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगी ना, वो भी फॉलो की जाएंगी, भाई वो अपना कर रहे, अच्छी बात है। हाँ, ये वो डेटा है, यहां पर ये वो डेटा लिख रखा है कि अगर आपका इतना लाइक करता है तो आपका इस डेट तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो लोग बियॉन्ड हैं तो वो भैया कुछ ना कुछ सेकेंडरी ऑप्शन देख ले, हमारी टीम से डिस्कस कर ले, उनको काउंसलिंग की, बेसिक काउंसलिंग की सबसे ज्यादा नीड है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर CS तो 35,691 तक मिल रहा था, IT 38,814 तक मिला, EC 54,000 तक मिला है, ECR 54,000 रैंक तक। जितने तक हम सर आप IT बोल रहे थे, आया EC, कैसी प्रेडिक्शन है। मैंने यार जो बोला था वो एकदम लास्ट वाला, मैंने एकदम डेट बता दी हुई है, आप डेट के हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। प्रीवियस ईयर का जो डेटा था वो बिल्कुल गलत नहीं था, मैंने उसमें कुछ करेक्शन करके कुछ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करके बताया था। और यहाँ पर CSE इंटीग्रेटेड देखोगे आप 47,892 तक है, EC इंटीग्रेटेड 80,487 तक है, CS 128,46,000 तक गया हुआ है। आप अगर इंटीग्रेटेड और CS की कट ऑफ देखोगे तो काफ़ी हद तक मैच कर रही हैं, इंटीग्रेटेड EC और इनकी कट ऑफ देखोगे तो आपकी मैच कर रही हैं, नियर अबाउट आ रही हैं। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक पूरा ये डेटा दे रखा है, ये एक्सपेक्टेड है, तो 45,000 तक है तो यार आप एकदम सेफ हो। हाँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि 45,000 वाला ना, एग्जैक्टली 45,000 वाला बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। जिसकी 42,000-43,000 तक है वो तो एकदम सेफ जोन पे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज भाई IPO दिल्ली के थ्रू महाराजागंज सूरजमल वगैरह लेने की तैयारी कर दो। हाँ, हो सकता है आपका कुछ बजट ज़्यादा आधा हो तो आप बेनेट वगैरह जाने का प्लान करो, वो डिपेंड अपॉन यू, कि आप पे डिपेंड करता है, है ना। और वैसे भी जेई जिसका इतना होगा यार कि उसको और भी ऑप्शंस होंगे उसके पास में 10,
वो और जेई की काउंसलिंग करेगा तो मल्टीपल ऑप्शंस निकल आएंगे, यूपीटीयू के अंदर निकल आएंगे, ऑलमोस्ट बहुत सारी काउंसलिंग्स है, ट्रिपल एम में निकल आएंगे, है ना, और हरियाणा की काउंसलिंग में निकल आ जाएंगे, जाट चंडीगढ़ की काउंसलिंग में आ जाएंगे। तो मल्टीपल पोर्टल्स गोइंग ऑन है और हम लोग बहुत सारे पोर्टल्स को कवर कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, आईटी 60,000 तक, ईसी 90,000 तक, ये एकदम लास्ट वाला डेटा। इतने लोग हैं जो अप्रोच करना चाहिए, जो नियर अबाउट लाई कर रहे हैं उनको भी बैकअप ढूंढ के रखना चाहिए। हाँ, ये राउंड टू का डेटा है ना, सी एस 97, आई टी 97, ई सी 94.6%, ये जो टॉप थ्री मार्क्स लिए गए थे उसके बेसिस पे ये रैंकिंग सिस्टम या मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई थी। सी एस सी इंटीग्रेटेड जो है वो 96 तक है, और ई सी 93.3 तक है, और सी एस 128 96.33 तक है, और ई सी 128 93 तक गया हुआ है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं, सर इसमें क्या डाउनफॉल आएगा? इसकी मैरिट डिपेंड कर रही है थापर पे, और इसकी मैरिट डिपेंड कर रही है जोसा काउंसलिंग पे। 15 से 20 अक्टूबर तक आपका जोसा का खात्मा हो जाएगा, एकदम एंड पे होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट क्वेरीज है, फ्री गाइडेंस फॉर्म डिस्क्रिप्शन पर दिया है, जाकर फिल करो। और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के रिगार्डिंग चाहिए, है ना, तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया हुआ है, मैंने बोला ना पहले ही कम्युनिटी पोस्ट देखते रहो यार, है ना, तो उसमें जाकर अपना वोट आउट करो, तो उस अकॉर्डिंग आपको और आगे की वीडियोस मिलेंगी। अभी काउंसलिंग बेस्ड ऑन जेई मेंस सबसे ज्यादा इस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो हम इसी पे वीडियोस बनाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। बाय बाय।